Freedom to everyone is about taking that step. But for me, freedom is about not asking anyone to take that step. It's my choice. Nobody has to judge me about that. Basically, the freedom to make choices, be it my course, be it going out at night, or maybe the freedom for choosing the religion I want to pursue. The right to expression. Freedom is something that, you know, every person has a right to assert. And in today's time, that kind of freedom we do not see everywhere. मुझे कहीं जाने से पहले कुछ करने से पहले सोचना ना पड़े and I don't have to think about the safety. We should be safe anywhere, everywhere. मेरे लिए आजादी का मतलब है अपनी needs को अपने तरीके से fulfill करना और उनको अपने dreams को अपने तरीके से frame करना. जो भी आप करना चाहते हैं उसको अपने तरीके से achieve करना. कुछ भी पहनने की आजादी, रात में घूमने की आजादी, और ये मत करो, वो मत करो, ये लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है, ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. इस मॉल में मत जाओ, ये शॉपिंग मॉल गर्ल्स के लिए नहीं है, ऐसे कपड़े मत पहनो, शॉर्ट्स मत पहनो, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. वी आर लैकिंग इन स्पीच, वी आर लैकिंग इन यू नो एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स. सो फॉर मी फ्रीडम इज खुलकर जो मैं मेरा फीलिंग है दैट आई कैन एक्सप्रेस समथिंग दैट आई एम नॉट फियरफुल अबाउट समथिंग दैट आई हैव टू स्पीक आई डोंट हैव टू बी स्कैर्ड दैट ये मेरा एक्सप्रेशन है आई वांट टू टॉक अबाउट दिस इशू. सो फॉर मी फ्रीडम इज मेरा अपना पोजीशन एजर्ट करना. लड़कों को तो पैदाइशी मतलब बॉर्न होती है उनको आज़ादी मिलती है कि आप जो करना है करो, आपकी मर्जी है. पर लड़के को थोड़ा दबा दिया जाता है कि नहीं, ये आप खुल के नहीं हंसोगी, ये आपके लिए है नहीं क्योंकि आप लड़की हो, आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए है नहीं, आप लड़की हो. सो आई थिंक दे शुड हैव द फ्रीडम टू चूज एनी थिंग दैट दे वॉन्ट टू डू विद देयर फ्यूचर थिंग. I came to Delhi for my further studies. So I had to cite n number of reasons why am I coming. I'm not going to do something like that. I'm not going to smoke. I'm not going to drink. I'm not going to have a boyfriend. Specifically, I'm not going to have a boyfriend from a Muslim religion as I am a Hindu. जैसे आप लड़कों को बोल रहे हो कि जाओ बेटा बाहर खेलो, मिलो लोगों से, वैसे लड़कियों को बोलो कि आप भी मिलो लोगों से, पहचानो, दुनिया को देखो. When I had to choose for my career and everything, so when I was having this conversation with my mother, she was like, अगर डॉक्टर बनोगी तो फिर इट विल टेक एट लीस्ट 28-29 एंड देन यू विल बी लाइक 28-29, सो इट विल बिकम बहुत देर हो जाएगी तुम्हारी शादी करने में. इफ आई वॉज प्रिविलेज्ड टू बी बॉर्न एज अ बॉय, आई डोंट थिंक सो आई हैड टू साइड सो मेनी रीजंस फॉर कमिंग टू दिल्ली एंड फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन.